नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बर्ड एनिमल फैक्ट चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जंगल के राजा शेर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम सब बात करेंगे जंगल के दूसरे सबसे ज़्यादा बड़े जानवर की, जो बिल्ली जाति की प्रजाति में आता है, वो है टाइगर यानी बाघ की। दोस्तों, बाघ यानी टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। और इसके कद काठी की बात करें तो लंबाई में बाघ 2.5 से 3.5 मीटर तक हो सकता है और इसका वज़न 250 किलो से 300 किलो के लगभग हो सकता है। अक्सर मादा टाइगर लंबाई और वज़न में नर टाइगर से छोटी होती है। आइए अब बात करते हैं कि बाघ दिखने में कैसा होता है। दोस्तों, बाघ की जो स्किन कलर होती है वो लाइट येलो टू रेडिश येलो विद ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी उसके शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं। और एक दूसरे कलर में भी बाघ मिलता है जो सफ़ेद रंग का होता है और उसके ऊपर भी काले रंग की धारियां होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि विश्व भर में टाइगर कहां कहां पाए जाते हैं। दोस्तों, मुख्यतः टाइगर निम्नलिखित देशों में पाए जाते हैं। मैं उन देशों के नाम बता दे रहा हूँ: चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया और बांग्लादेश। मुख्य तौर पर जो साइबेरियन टाइगर होते हैं वो हमारे इंडियन टाइगर से कद, आकार और वज़न में बड़े होते हैं। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो विश्व भर में कुल लगभग 6000 से 6500 के बीच में टाइगर की जनसंख्या है, जिसमें से भारत देश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और हमारे देश में लगभग 2000 से लेकर 2500 के बीच में टाइगरों की जनसंख्या है। दोस्तों, हमारे देश में टाइगर के नेशनल जो रिज़र्व पार्क्स बनाए हैं वो टोटल 53 हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, कान्हा नेशनल पार्क हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिसकी कुल जनसंख्या 53 है, जिसमें केवल बाघों के आरक्षण पर ही ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, हमारे कानून में भी टाइगर आरक्षण पर ध्यान दिया गया है। वहाँ पे एक लॉ बना है जिसका वर्णन सेक्शन 38B आर्टिकल नंबर 3 में मिलता है और जिसका नाम है टाइगर कंजर्वेशन प्लान TSP, जो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने एक संगठन बनाई है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCP, और इसको सन 2006 में लागू किया गया था। इसके अनुसार देश में बाघों के आरक्षण पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसी का फल है कि आज हमारे देश में बाघों की जनसंख्या 1400 से बढ़कर लगभग 2500 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टाइगर यानी बाघ कौन कौन से जानवरों का शिकार करता है। दोस्तों, टाइगर मुख्यतः जैबरा को, हिरण को, दरियाई घोड़े को, मगरमच्छ को, गैंडे को, जंगली भैंसों को खाता है। और कभी कभी ये भोजन की तलाश में जब मानव के रिहायशी इलाकों में आ जाता है तो ये घोड़ों को, बकरियों को, सुअरों को और गायों को भी मारकर खा जाता है। दोस्तों, बाघ एक दिन में 10 से 15 केजी का मीट खाता है, लेकिन कभी कभी जब 3-4 दिन से यह खाना नहीं इसको मिलता है और ये इसको भूख लगी होती है तो ये एक बार में ही 25 से 40 किलो तक मांस खा सकता है। बाघ एक दिन में 40 से 50 लीटर तक पानी पी लेता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइगर के रनिंग स्पीड की, यानी बाघ कितने किलोमीटर एक घंटे में कवर कर सकता है। तो दोस्तों, बाघ की रनिंग स्पीड है 50 से लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की, यानी ये एक घंटे में 50 से 55 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। दोस्तों, बाघ एक दिन में 14 से 18 घंटे तक सोता है, क्योंकि बाघ अक्सर रात को ही शिकार करता है, क्योंकि ये एक नॉक्टुरल एनिमल है।
अगर बात करें बाघों में प्रजनन की, तो बाघिन का प्रजनन काल लगभग 3 से 4 महीनों का होता है और बाघिन एक बार में 3 से 4 कब्स को जन्म देती है और 2 साल तक आते आते ये कब्स एक एडल्ट मेल टाइगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाघ के हंटिंग स्टाइल यानी शिकार करने के तरीके में। दोस्तों बाघ बहुत ही ज़्यादा एजाइल अग्रेसिव आक्रामक जानवर होता है। इनफैक्ट ये शेर से भी ज़्यादा आक्रामक होता है। इसको अकेला रहना पसंद है और ये अक्सर रात के समय में ही शिकार करता है। दोस्तों बाघ जब भी शिकार करता है तो ये जानवर को गर्दन के नीचे की ओर से पकड़ता है, क्योंकि बाघ का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बड़े जानवर का शिकार करने में ये अपने भार की वजह से उसको नीचे गिरा लेता है। दोस्तों बाघ स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा भक्षी जानवर होता है और वैज्ञानिकों की माने तो बाघ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और बाघ पानी में तैर भी सकता है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा गुड स्विमर होते हैं। बात करें अगर बाघों के लाइफ स्पैन की, तो दोस्तों जंगल में बाघ 10 से 12 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन चिड़ियाघरों में और जो बाघ पालतू बनाए जाते हैं वो 15 से 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। दोस्तों बाघ दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर है। वर्तमान समय में बाघों की चमड़ी के बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अवैध हंटिंग यानी अवैध शिकार हो जाती है। दोस्तों इस अवैध शिकार की वजह से बाघों की जनसंख्या में कमी आ जाएगी। इसी वजह से पूरे विश्व भर में बाघों के आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाघ और शेर की तुलना के बारे में। धन्यवाद।